गुड मॉर्निंग क्लास, दिस इज़ आर नेक्स्ट फार्माकोलॉजी क्लास इन विच टूडे वी विल स्टडी अबाउट द स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट। ये एक छोटा सा टॉपिक है जिसको अपन पढ़ लें। वैसे तो स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स जो है अपन ANS के साथ में ही पढ़ रहे होते हैं, तो ये छोटा सा टॉपिक है। आज में कंप्लीट भी हो जाएगा तो, और आई होप कि आपको ज़्यादा मुश्किल भी नहीं लगेगा। इजी ही है टॉपिक, ज़्यादा मुश्किल है नहीं। तो देखिए, स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स के बारे में अपन पढ़ें। सो दे एक्चुअली व्हाट दे वर्क, दे डिक्रीज स्केलेटल मसल टोन बाय पेरिफेरल और सेंट्रल एक्शन। पेरिफेरल और सेंट्रल एक्शन के द्वारा ये स्केलेटल मसल को क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं, उसकी टोन को, स्केलेटल मसल की टोन को डिक्रीज कर देते हैं। तो स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स वो ड्रग्स होती हैं जो पेरिफेरली एक्ट करती हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के थ्रू या मसल फाइबर के थ्रू। खुद मसल फाइबर के थ्रू ही ये पेरिफेरली एक्ट करती हैं, ये तो पेरिफेरली एक्ट है, या फिर ये सेंट्रली एक्ट करती हैं सेरेब्रो स्पाइनल एक्सेस के द्वारा। ये मसल टोन को रिड्यूस करने का काम करती है और साथ में यह पैरालिसिस भी कॉज कर सकती हैं। तो मैंने आपको बताया ना, दे डिक्रीज स्केलेटल मसल टोन बाय पेरिफेरल और सेंट्रल एक्शन। ये मसल टोन को या तो पेरिफेरल से या सेंट्रल एक्शन से। पेरिफेरल करेंगे तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या मसल फाइबर से खुद से करेंगे, और सेंट्रली करेंगे तो सेरेब्रोस्पाइनल एक्सेस के द्वारा ये करेंगे। और इसकी वजह से मसल टोन वीक हो जाती है, जिससे हो सकता है कि पर्सन को पैरालिसिस भी हो जाए। मसल रिलैक्सेंट एक ऐसी ड्रग है जो स्केलेटल मसल के फंक्शन को अफेक्ट करती है और मसल टोन को डिक्रीज करती है। इसको हम कुछ सिम्टम्स को इम्प्रूव कर रहे हैं, जैसे मसल स्पाज़म किसी में हो गया है, मसल पेन हो रहा है, हाइपर रिफ्लेक्सिया हो गया है, तो इस तरह के सिम्टम्स को इम्प्रूव करने के लिए हम इन ड्रग्स का यूज़ करते हैं। अब अगर हम इनका क्लासिफिकेशन देखें तो पहले सुन लीजिए, क्लासिफिकेशन एक्चुअली क्या है कि स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स, क्योंकि मैंने कहा ये सेंट्रली भी एक्ट करते हैं और पेरिफेरली एक्टिंग भी करते हैं, तो सेंट्रली एक्टिंग जो रिलैक्सेंट्स हैं उसमें डाइजापाम और अदर बेंजोडाइजापाइन आती हैं, मिथोकार्बामोल आती है, क्लोरजोक्साजोन जो मेडिसिन है वो आती है, टाइजानामाइडिन आती है, बैक्लोफिन आती है और गैबापेंटिन ड्रग आती है। जबकि पेरिफेरली एक्टिंग जो रिलैक्सेंट्स हैं उनमें ड्रग एक्टिंग ऑन NMJ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और डायरेक्टली एक्टिंग ऑन स्केलेटल मसल, क्योंकि इस डेफिनेशन में मैंने बता रखा है ना कि पेरिफेरल ड्रग्स तो NMJ पर भी एक्ट कर सकती है, डायरेक्ट मसल फाइबर पर भी एक्ट कर सकती है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या मसल फाइबर पे। तो जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, देखो स्केलेटल मसल पे जो डायरेक्ट एक्ट कर रही है उनमें तो केवल डेंड्रोलिन आती है, जबकि NMJ में जो ड्रग्स हैं उनको अपन फिर फर्दर थ्री टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं, डीपोलराइजिंग ब्लॉकर्स, नॉन डीपोलराइजिंग ब्लॉकर्स एंड अदर्स। नॉन डीपोलराइजिंग ब्लॉकर्स को अपन कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर्स भी कहते हैं। डीपोलराइजिंग ब्लॉकर्स में सक्सिनाइल कोलीन और डीकैमिथोनियम आती है। नॉन डीपोलराइजिंग में काफ़ी सारी ड्रग्स आती हैं जो लॉन्ग एक्टिंग भी होती है, शॉर्ट एक्टिंग भी होती है, इंटरमीडिएट एक्टिंग भी होती हैं। और अदर्स के अंदर बॉटुलिनम टॉक्सिन आता है। बॉटुलिनम टॉक्सिन जो है वो सीक्रेट होता है ऑर्गेनिजम्स के थ्रू, वो इसके अंदर आता है। अब देखिए, सबसे पहले पेरिफेरल एक्टिंग रिलैक्सेंट्स को अपन देखें, तो इसमें मैंने कहा भाई NMJ है, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स होते हैं, जिनमें सबसे पहला नॉन डीपोलराइजिंग, जिसको अपन कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर्स भी कहते हैं। इसमें मैंने बताया भाई तीन तरह के होते हैं, लॉन्ग एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग और शॉर्ट एक्टिंग। लॉन्ग एक्टिंग में डी टबोक्यूरारिन आता है, पैन क्यूरोनियम आती है, डॉग्जा क्यूरियम आती है, पाइपी क्यूरोनियम आती हैं ड्रग्स। इंटरमीडिएट एक्टिंग में वैक्यूरोनियम, एट्रेक्यूरियम, सिसाट्रेक्यूरियम, रोक्यूरोनियम और रापाक्यूरोनियम आती हैं, जबकि शॉर्ट एक्टिंग के अंदर मीवाक्यूरियम ड्रग आती है। इसके अलावा मैंने कहा नॉन डीपोलराइजिंग के अलावा दूसरी हैं डीपोलराइजिंग ब्लॉकर्स, जिसमें सक्सिनाइल कोलीन, जिसको अपन SCH से लिखते हैं, और डीकैमिथोनियम ड्रग आती है। अब जो नॉन डीपोलराइजिंग कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर्स हैं उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है,
इनका साइट ऑफ एक्शन ये कॉम्पिटिटिव और डी पोलराइजिंग ब्लॉकर्स की तरह एक्ट कर रही हैं। द साइट ऑफ एक्शन ऑफ बोथ कॉम्पिटिटिव एंड डी पोलराइजिंग ब्लॉकर्स इज द एंड प्लेट ऑफ स्केलेटल मसल फाइबर। जो स्केलेटल मसल फाइबर की एंड प्लेट होती है उसी पर ये कॉम्पिटिटिव भी एक्ट करते हैं और उसी पर डी पोलराइजिंग। कॉम्पिटिटिव मतलब नॉन डी पोलराइजिंग और डी पोलराइजिंग दोनों की दोनों जो रिलैक्सेंट्स हैं या जो ड्रग्स हैं वो दोनों की दोनों स्केलेटल मसल फाइबर्स की एंड प्लेट के ऊपर ही एक्ट कर रही होती है। दोनों का साइट ऑफ एक्शन एक ही है। फार्मेकोलॉजिकल एक्शन नॉन डिपोलराइजिंग। अब क्या होता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन? तो मैंने कहा कि नॉन डिपोलराइजिंग और डिपोलराइजिंग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अगर हम उसकी साइट देखें तो स्केलेटल मसल फाइबर की एंड प्लेट पे एक्ट करेंगे। फार्मेकोलॉजिकल एक्शन अगर अपन देखें तो एक तो ये स्केलेटल मसल पे अपना असर दिखाता है, एक ये ऑटोनॉमिक गैंग्लिया पर अपना असर दिखाता है, हिस्टामिन को रिलीज करने का काम कर रहा होता है, तो इस तरह के ये अपने एक्शन दिखा रहा है। स्केलेटल मसल पर क्या करता है? अगर अपन इसका इंट्रावीनस इंजेक्शन दे रहे हैं नॉन डिपोलराइजिंग ब्लॉकर्स का तो ये रैपिडली हमारे अंदर मसल वीकनेस कर देता है और हमारी मसल फ्लैसिड हो जाती है जिससे कि पैरालिसिस का अटैक आ जाता है। ऐसा लगता है जैसे पैरालिसिस हो गया है या आप कहें पैरालिसिस ये कॉज कर देता है। दूसरा ये ऑटोनॉमिक गैंग्लिया के ऊपर एक्ट करता है जिसे थोड़ा बहुत गैंग्लियोनिक ब्लॉकेट कुछ डिग्री तक गैंग्लियोनिक ब्लॉकेट कॉज हो जाता है। तीसरा ये हिस्टामिन रिलीज करता है। डीटीसी जो है इसके अंदर डीटीसी अपन पढ़ते हैं तो डीटीसी जो है वो हिस्टामिन को रिलीज करेगा। हिस्टामिन को रिलीज कैसे करता है? मास्ट सेल से। अगर ये वैसे तो मैं आप लोगों को इसमें पढ़ाऊंगी भी, इन्फ्लामेशन पढ़ाऊंगी, पर बाकी इसको आपने पढ़ा था जब फर्स्ट ईयर में माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ा था तो वहाँ पर आप लोगों ने फिफ्थ चैप्टर के अंदर एक टॉपिक था कौन सा, एलर्जिक रिएक्शंस, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। तो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में टाइप वन के अंदर अपन ये मैकेनिज्म पढ़ते हैं, मास सेल से हिस्टामिन जो है वो रिलीज होता है। तो ये हिस्टामिन रिलीज जो है वो उसका वो कंट्रीब्यूट करता है हाइपोटेंशन में। हिस्टामिन रिलीज से हाइपोटेंशन हो जाता है जो कि डीटीसी की वजह से प्रोड्यूस होता है। तो ऐसे में पर्सन में फ्लशिंग होती है, ब्रोंकोस्पाज्म हो जाता है, रेस्पिरेटरी सीक्रीशन उसके अंदर बढ़ जाते हैं और भी कई इफ़ेक्ट्स जो हैं वो देखने को मिल रहे होते हैं। ऐसा इसका फंक्शन है। इसके बाद ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर भी असर दिखाती हैं, जीआईटी पर भी, सीएनएस के ऊपर भी। कार्डियोवैस्कुलर पे डीटीसी जो है, डी ट्यूबोक्यूरिन, ये बीपी को बहुत ज़्यादा कम कर देती है जिसकी वजह से गैंग्लियोनिक क्यों बीपी को इसने कम क्यों कर दिया, क्योंकि ये गैंग्लियोनिक ब्लॉकेड कर देता है, हिस्टामिन का रिलीज करता है और वीनस रिटर्न को रिड्यूस कर देता है, तो जिससे बीपी जो है वो फॉल हो जाता है। ये इसका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे असर है। दूसरा इसका जीआईटी पे क्या असर पड़ता है कि गैंग्लियोनिक ब्लॉकिंग एक्टिविटी जो है कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर्स की वो बढ़ जाती है पोस्ट ऑपरेटिव पैरालिटिक इलियस के अंदर। एब्डोमिनल ऑपरेशन के बाद अगर पोस्ट ऑपरेटिव पैरालिटिक इलियस हो गई है तो उसके में वो जो है कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर के गैंग्लियोनिक ब्लॉकिंग को बढ़ा देती है। तो इस तरह से ये जुड़ा हुआ है जीआईटी पर इफेक्ट के साथ में, ये नॉन डिपोलराइजिंग एक्शन देखने को मिल रहा होता है। इसके अलावा क्या कर रही है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे अपना असर दिखाती है कि जितनी भी न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स हैं वो क्वार्टनरी कंपाउंड्स होती हैं और इस वजह से ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाती हैं, नहीं कर पा रही, तो सीएनएस के ऊपर ये अपना इफेक्ट नहीं देती हैं। अब हम थोड़ा सा इनको इंडिविजुअल पढ़ लें तो डीटीसी जो है उसका कोई क्लिनिकल यूज़ नहीं होता क्योंकि इसका खुद का हिस्टामिनिक इफेक्ट होता है। अपने हिस्टामिनिक इफेक्ट की वजह से इसको अपन क्लिनिकली ज़्यादा यूज़ नहीं करते। ये प्रोटोटाइप ड्रग है कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर्स की डीटीसी जो है। ACH इसका एगोनिस्ट है जबकि डीटीसी जो है वो एंटागोनिस्ट है न्यूरोमस्कुलर रिसेप्टर की। क्यूरारी फॉर्म ड्रग्स है कॉम्पिटिटिवली एंटागोनाइज कर देती है ACH के एक्शन को NMG के ऊपर जिससे कि पर्सन के अंदर पैरालिसिस हो जाता है। तो इसका खुद का कोई खास एक्शन नहीं है, पैरालिसिस कॉज करवा देती है, डीटीसी की खासियत है। इसके बाद इसमें जो सक्सिनाइल कोलिन जो आपको दिया हुआ है उसको अपन पढ़ेंगे।
क्योंकि मैंने कहा ये तो खुद क्या करता है, ACH के अगेंस्ट वर्क कर, DTC ने क्या किया था, ACH के अगेंस्ट में वर्क किया था। ये कॉम्पिटेटिवली ब्लॉकर्स होता है जिससे कि स्केलेटल मसल में पैरालिसिस हो जाता है। और कौन कौन से मसल्स के ऊपर ये असर दिखाता है, तो एक्सटेंसिक आई मसल पे, नेक, फेस, हैंड्स, फीट, लिम्ब्स, ट्रंक, और फाइनली रेस्पिरेटरी मसल्स जो हमारी डायफ्राम और इंट्राकोस्टल मसल्स हैं उनके ऊपर ये अपना असर दिखाएगा और उसको पैरालाइज कर देगा। पर इसकी रिकवरी हो सकती है रिवर्स ऑर्डर के अंदर। रेस्पिरेटरी मसल्स को सबसे पहले रिकवर किया जाता है, कॉन्शियसनेस और एप्रिसिएशन ऑफ पेन आर नॉट अफेक्टेड। हम उनको ठीक कर देते पर कॉन्शियसनेस नहीं कर सकते हैं, पेन पर कोई खास एप्रिसिएशन इसका नहीं हो रहा होता है। ये DTC के बारे में। इसके बाद जो हमने कहा सक्सिनाइल कोलीन को अपन पढ़ते हैं, तो देखिए सक्सिनाइल कोलीन के बारे में, सक्सिनाइल कोलीन क्या है। SCH इज द मोस्ट कॉमनली यूज मसल रिलैक्सेंट। सबसे ज्यादा अपन इसी SCH को ही यूज करते हैं। ट्रेकियल ट्यूब को पास करना होता है तो सबसे अच्छा मसल रिलैक्सेंट SCH है। ये रैपिड कंप्लीट और प्रिडिक्टेबल पैरालिसिस को इंड्यूस करता है और इसकी स्पॉन्टेनियस रिकवरी विद इन 5 मिनट्स भी हो जाती है। तो बहुत जल्दी रिकवर हो जाते हैं और पैरालिसिस जो प्रिडिक्टेबल पैरालिसिस है उसमें कंप्लीट रैपिड, इट इंड्यूसेस रैपिड कंप्लीट एंड प्रिडिक्टेबल पैरालिसिस विद स्पॉन्टेनियस रिकवरी। रिकवरी तुरंत हो जाएगी पैरालिसिस कॉज होने के बावजूद भी। ओकेशनली SCH जो है वो कंटिन्यूस IV इन्फ्यूज़न में अपन यूज़ करते हैं। कंट्रोल्ड मसल रिलैक्सेशन अगर अपन को लंबे समय तक करना होता है तो फिर IV इन्फ्यूज़न भी करना होता है। पर छोटे बच्चों में ये नहीं देना चाहिए जब तक कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इसमें हाइपरकैलीमिया होने का रिस्क जो है वो बढ़ जाता है, कार्डिक एरिदमिया के का रिस्क भी जो है वो बढ़ जाता है। तो सक्सिनाइल कोलीन क्या कर देता है, कॉज इनिशियल फैसिकुलेशन लेटर मसल पैरालिसिस। पहले तो ये उसको मसल्स को फैसिकुलेशन करेगा और बाद में हो सकता है पैरालिसिस हो जाए। ये रैपिडली हाइड्रोलाइज हो जाता है स्यूडोकोलिनेस्टेज एंजाइम के द्वारा, इसलिए शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इसका होता है 3 से 8 मिनट तक, ज़्यादा से ज़्यादा इसका रहेगा 3 मिनट से लेकर के 8 मिनट तक, और बाद में वो अपने आप सही हो जाता है। ट्रांजियंट एपनिया देखने को मिलता है अगर इसका एक्शन पीक पे होता है, या फिर कोई पर्सन जिसको लिवर डिजीज़ है या एटिपिकल स्यूडोकोलिनेस्टेज की वजह से, जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से ऐसा है, तो इसमें मेटाबॉलिज्म जो सक्सिनाइल कोलीन का है वो काफ़ी स्लो हो जाएगा, जिससे कि सीवियर न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेड हो सकता है और लंबे समय तक एपनिया पर्सन में हो सकता है। ऐसे को हम सक्सिनाइल कोलीन एपनिया कहते हैं। सक्सिनाइल की वजह से एपनिया हो गया तो सक्सिनाइल कोलीन एपनिया। ये एक रेस्पिरेटरी पैरालिसिस है जिसकी कोई एंटीडोट इस समय अवेलेबल नहीं है, इसलिए अपन उसमें क्या करते हैं, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा को इन्फ्यूज़ करते हैं और पेशेंट जो को वेंटिलेशन पे ले जाते हैं, वेंटिलेटेड आर्टिफिशियली अंटिल फुल रिकवरी। जब तक ठीक नहीं हो जाता तब तक हम उसको वेंटिलेशन पे रखेंगे। किस केस में, अगर सक्सिनाइल कोलीन की वजह से एपनिया हो जाए रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। तो ये सक्सिनाइल कोलीन के बारे में मैंने आपको बता दिया, ये नोट कर लीजिएगा पॉइंट सक्सिनाइल कोलीन एपनिया के बारे में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए एग्जाम में आए या नहीं आए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बाद कुछ और ड्रग्स अपने देख रहे हैं, उन ड्रग्स के अंदर हम पढ़ेंगे। सबसे पहली पेनक्यूरोनियम, ये एक सिंथेटिक स्टेरॉयडल कंपाउंड है जो कि 5 गुना ज़्यादा पोटेंट है और लंबे समय तक असर दिखाता है DTC के कंपैरिजन में। DTC के कंपैरिजन में 5 गुना ज़्यादा पोटेंट है और ज़्यादा देर तक अपना असर दिखाता है, क्योंकि इसका लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, इसलिए इसको रिवर्सल की इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ना। वहाँ पर अपन ने अभी बोला SCH के बारे में कि वो तो 5 मिनट में अपने आप ही ठीक हो जाता है, पर ये नहीं ठीक होता, इसलिए इसमें रिवर्सल की ज़रूरत पड़ती है। इसका यूज़ जो है आजकल रोक दिया गया है, रेस्ट्रिक्टेड टू प्रोलॉन्ग्ड ऑपरेशन, स्पेशली न्यूरोसर्जरी में, प्रोलॉन्ग्ड ऑपरेशन में जो इसका यूज़ पहले हुआ करता था, आजकल इसका यूज़ नहीं हो रहा है। नेक्स्ट ड्रग आ रही है पाइप क्यूरोनियम, इसमें ये भी एक मसल रिलैक्सेंट है जिसका स्लो ऑनसेट होता है पर लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है। वैसे भी कोई भी दवाई जिसका स्लो ऑनसेट होगा वो थोड़ा लंबे समय तक ही असर दिखाती है। स्टेरॉयड है एक तरह की और प्रोलॉन्ग्ड सर्जरी के समय इसको रिकमेंड किया जाता है। इसके अलावा नॉन डिपोलराइजिंग ब्लॉकर्स में इंडिविजुअल कंपाउंड्स हैं वैक्यूरोनियम,
एट्राक्यूरोनियम और रॉक्यूरोनियम ड्रग्स आती हैं। वैक्यूरोनियम के अंदर ये मोस्टली कॉमनली यूज मसल लेक्सेंट है, जो रूटीन सर्जरी में और इंटेंसिव आईसीयू के अंदर इंटेंसिव केयर यूनिट्स में इसका यूज़ करते हैं। एट्राक्यूरियम 4 गुना कम पोटेंट है पैनक्यूरोनियम के कंपैरिजन में और शॉर्टर एक्टिंग भी है। तो अगर अपने को थोड़ा कम ही एक्शन दिखाना है तो इस दवाई का यूज़ कर सकते हैं। रॉक्यूरोनियम जो है ये मसल लेक्सेंट है, ये तेज़ी से अपना असर दिखाती है इंटरमीडिएट ड्यूरेशन की, ना लंबी ना छोटी, इंटरमीडिएट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है। ये SCH के अल्टरनेट के रूप में लेते हैं। अगर ट्रेकियल इंट्यूबेशन करवाना है, SCH अवेलेबल नहीं है, तो आप ये ड्रग ले सकते हैं। डीपोलराइजिंग ब्लॉक का कोई डिसएडवांटेज इसमें नहीं है, कोई कार्डियोवैस्कुलर चेंज ये खास कॉज नहीं कर रही होती है। इसके बाद कुछ एडजुवेंट्स आते हैं जनरल एनेस्थीसिया के साथ में, कुछ एडजुवेंट्स दिए जा रहे होते हैं। एडजुवेंट्स क्या होते हैं? वो मेडिसिन जो किसी मेडिसिन के साथ में देते हैं और वो उस मेडिसिन के इफेक्ट को बढ़ा देते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज जो न्यूरो मस्कुलर ब्लॉकर का है वो है एज अ एडजुवेंट, हम उसको जनरल एनेस्थीसिया के साथ में काम में लेते हैं। NM ब्लॉकर जो है जनरल एनेस्थीसिया के साथ में काम लिया जाता है, ये चॉइस है न्यूरो मस्कुलर ब्लॉकर। अब कौन सी चॉइस कौन से को काम में लेना है वो डिपेंड कर रहा है उसके नेचर पे, कितने ड्यूरेशन का प्रोसीजर है, उसकी फार्मेकोकाइनेटिक क्या है उस ब्लॉकर की, कार्डियोवैस्कुलर स्टेबिलिटी ये कैसे प्रोवाइड करता है, वो सब हम ध्यान में रखते हैं। अब जैसे वैक्यूरोनियम और रॉक्यूरोनियम ये सबसे ज़्यादा यूज़ में ली जाने वाली एडजुवेंट है जनरल एनेस्थीसिया के साथ में। असिस्टेड वेंटिलेशन, क्रिटिकली जो इल पेशेंट्स होते हैं आईसीयू के अंदर उनको अक्सर अपन वेंटिलेटरी सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो अपन ये सब चीज़ें काम में ले रहे होते हैं उस केस में। इसके अलावा कन्वल्जन्स और ट्रॉमा, अगर किसी को इलेक्ट्रो कन्वल्जिव थेरेपी में हो रहा हो तो उसको अपन यूज़ कर सकते हैं, उसको अवॉइड कर सकते हैं मसल लेक्सेंट का यूज़ करके। भाई अगर आप किसी को इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी दे रहे हो और उस थेरेपी की वजह से उस पर्सन ने कन्वल्सन्स मतलब दौरे पड़ने लग जाएं, उसको कोई ट्रॉमा हो जाए, तो उनको ऐसी कंडीशंस को अवॉइड करने के लिए अपन मसल लेक्सेंट का यूज़ कर सकते हैं थेरापेटिक बेनिफिट कम किए बिना। मतलब उस दवाई के साथ कोई छेड़छाड़ ना करें, उस थेरेपी के साथ कोई छेड़छाड़ ना करें, सीधी ये दवाई दें मसल लेक्सेंट दें और ये जो साइड इफ़ेक्ट्स उसके हो रहे हैं उससे अपन बचें। इसमें भी असिस्टेड वेंटिलेशन किया जाता है। नेक्स्ट, अब डायरेक्टली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स हम पढ़ रहे हैं। नॉन डायरेक्ट एक्टिंग ये जो था, हमने ड्रग्स एक्टिंग ऑन NMJ पढ़ ली थी, अब ड्रग्स एक्टिंग ऑन डायरेक्टली एक्टिंग ऑन स्केल्टल मसल्स हम लोग देख रहे हैं कि स्केल्टल मसल पे कौन सी डायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स है। तो उसमें सबसे पहली सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो डेंट्रोलिन ही आती है। देखिए डेंट्रोलिन इट इज़ अ डायरेक्टली एक्टिंग स्केल्टल मसल रिलैक्सेंट। इंट्रावीनस डेंट्रोलिन इज द लाइफ सेविंग ड्यूरिंग इन मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया। कैंसर की वजह से बुखार चढ़ रही है तो उसमें लाइफ सेविंग ड्रग है ये डेंट्रोलिन, अगर उसको IV दिया जाता है तो। इट इज़ ऑल्सो यूज ओरली टू रिड्यूस स्पाज़म इन मल्टीपल स्क्लेरोसिस, सेरेब्रल पाल्सी, स्पाइनल इंजरी एटसेट्रा। भाई इस तरह की कंडीशन, स्पाइनल इंजरी किसी में हो गई हो, सेरेब्रल पाल्सी हो गया हो, सेरेब्रम का लकवे जैसी सी कंडीशन होती है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस किसी को हो गया हो, तो इन सभी कंडीशंस में क्या है मसल का स्पाज़म हो जाता है। उस स्पाज़म को कम करने के लिए अपन डेंट्रोलिन का ओरली यूज़ भी कर सकते हैं। तो डेंट्रोलिन कैसे एक्ट करती है? एक्ट ऑन द RYR1 यानी रेनोडाइन रिसेप्टर के ऊपर कैल्शियम चैनल में एक्ट कर रही है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो स्केल्टल मसल्स होते हैं उनके कैल्शियम चैनल पे ये एक्ट करती हैं और ये कैल्शियम को रोक देती हैं और कैल्शियम रिलीज को ये इंड्यूस करती है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। डेंट्रोलिन स्लोली है पर एडिक्वेटली, स्लोली बट एडिक्वेटली एब्जॉर्ब हो जाती है GIT के अंदर। ये ब्रेन में पेनिट्रेट करती हैं और कुछ सिडेशन भी देती हैं। अगर आप इस दवाई को दो तो सिडेटिव इफेक्ट भी इसके देखने को मिलते हैं, पर कोई खास सिलेक्टिव इफेक्ट इसका पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लेक्स के ऊपर नहीं होता, बट हैज़ नो सिलेक्टिव इफेक्ट ऑन पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लेक्स रिस्पॉन्सिबल स्पास्टिसिटी। मसल स्पास्टिसिटी जो पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लेक्स की वजह से होती है उनके ऊपर इसका कुछ खास असर नहीं है डेंट्रोलिन का। अब सेंट्रली एक्टिंग मस्कुलर रिलैक्सेंट्स कौन कौन से? डायरेक्टली एक्टिंग हो गया, डायरेक्टली एक्टिंग अपन ने किसके अंदर पढ़ा है?
पेरिफेरल एक्टिंग। सबसे पहले अपन ने पेरिफेरल एक्टिंग शुरू किया था, जिसमें ड्रग एक्टिंग ऑन NMJ हम पढ़ चुके थे और ड्रग एक्टिंग ऑन स्केलेटल मसल्स अपन लोग पढ़ चुके हैं। इसमें से एक बॉट्यूलिनम जो ड्रग मैंने आपको बोली उसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। NMJ पे जो एक्ट कर रही थी ना, उसमें बॉट्यूलिनम टॉक्सिन जो कि अपने को क्लॉस्ट्रिडियम बॉट्यूलिनम से मिलता है, इसको अगर अपन इंट्राडर्मली देते हैं तो ये एंटी रिंकल इफेक्ट दिखाता है। तो कॉस्मेटिक प्रोसीजर के अंदर ये दिया जाता है बॉट्यूलिनम। कई बार आप लोगों ने ये किसी में, अगर आप न्यूज़ में भी इस तरह की न्यूज़पेपर में आती रहती हैं, न्यूज़ चैनल्स पर ऐसी चीज़ें दिखाई जाती हैं, कुछ लोग जवान दिखने के लिए जो थेरेपी ले रहे होते हैं वो बॉट्यूलिनम की थेरेपी ही होती है। पर इसका एडवर्स इफेक्ट क्या है, पेन कॉज करता है जिस जगह पर इसको इंजेक्ट किया जाता है, मसल का पैरालिसिस कर देता है, माइलजिया मसल पेन, और कई बार रैशेस भी हो जाते हैं इसकी वजह से। तो ये बॉट्यूलिनम। अब यहाँ पर मैं आपको कंपैरेटिव स्टडी बता रही हूँ सेंट्रली और पेरिफेरली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स की। सेंट्रली एक्टिंग जो है वो मसल टोन को कम करता है बिना वॉल्यूंट्री पावर को कम किए, जबकि पेरिफेरल में वॉल्यूंट्री पावर भी कम होती है और पैरालिसिस भी कॉज हो जाता है। सेंट्रली एक्टिंग जो है वो सेलेक्टिवली पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लेक्स को CNS में रोक देती है, जबकि ये न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन को रोक रही थी पेरिफेरली एक्टिंग। तो सेंट्रली एक्टिंग CNS डिप्रेशन थोड़ा बहुत कॉज कर देती है, जबकि पेरिफेरल एक्टिंग का कोई CNS पे असर नहीं होता। सेंट्रली एक्टिंग को अगर अपन ओरली देते हैं तो कई बार अपन पेरेंटली दे रहे हैं, कुछ ओरली और कुछ पेरेंटली दी जाती हैं, जबकि पेरिफेरली अक्सर हम IV के थ्रू ही देते हैं। सेंट्रली एक्टिंग ड्रग्स जो है वो क्रॉनिक स्पास्टिक कंडीशन में काम में लेते हैं, एक्यूट मसल स्पाज़म में और टिटनस जैसी कंडीशन में इसका यूज़ किया जाता है। किसी को टिटनस हो गया हो, एक्यूट मसल में स्पाज़म हो गया हो, स्पास्टिक कंडीशन आ गई हो, तो सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट दिया जाता है, जबकि पेरिफेरल एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट शॉर्ट टर्म पर्पज़ के लिए यूज़ में लेते हैं, जैसे सर्जिकल ऑपरेशंस अपने को करना हो तो थोड़े समय के लिए देना है, जब तक सर्जरी चल रही है तब तक उसका असर होना चाहिए, तो पेरिफेरल एक्टिंग देते हैं। अब सेंट्रली एक्टिंग जो मसल रिलैक्सेंट थे उसका क्लासिफिकेशन, उसके एग्जाम्पल्स देखिए, सीधा इनके नाम आपको रट्टा मारने हैं, घुमा फिरा के मैं बात को कह ही नहीं रही, सीधा सीधा बता रही हूँ कि इनके नाम ही आपको रट्टा मारने और अपने को ऐसा कुछ खास इसका नहीं करना है। तो देखिए मेफिनसिन कंजेनर्स आता है, जिसके अंदर मेफिनसिन आएगी, कारिसोप्रोडोल आएगी, क्लोरजोक्सोजोन आएगी, क्लोरमीजानोन आएगी, मेथोकार्बामोल आती है, फिर सेकंड है बेंजोडाइजेपाइन्स जिसमें डाइजापाम और दूसरी ड्रग्स आती हैं, गाबामिमेटिक आती हैं जिसके अंदर बैक्लोफेन और थायोकॉल की कोसाइड आती हैं, सेंट्रली अल्फा 2 एगोनिस्ट है जिसके अंदर टाइजानाडिन आएगी, टाइजानाडिन। अब सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स में सबसे पहले बैक्लोफेन है। वैसे अगर अपन ये नहीं भी पढ़ें तो कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं, आप इसको छोड़ भी सकते हैं, बस मैं तो आपको बता दूं कि भाई आपको ये ना लगे कि हमने बिल्कुल नहीं पढ़ी, पर इसका एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। बैक्लोफेन क्या है, ये इनहिबिटरी ट्रांसमीटर जो गाबा है उसका एनालॉग है, ये सेलेक्टिवली एक्ट्स एज अ सेलेक्टिवली गाबा रिसेप्टर एगोनिस्ट की तरह ये वर्क कर रहा होता है। इसका प्राइमरी साइट ऑफ एक्शन क्या है, ये स्पाइनल कॉर्ड पे अपना एक्शन दिखाता है, जहाँ पर ये पॉलीसिनेप्टिक और मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स को डिप्रेस कर देगा। एज सच ये कोई मसल वीकनेस प्रोड्यूस थोड़ी बहुत प्रोड्यूस कर देता है, पर इसका सिडेटिव जो इफेक्ट है वो डाइजापाम के कंपैरिजन में कम होता है। बैक्लोफेन ओरली बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है और प्राइमरली ये यूरिन में बिना चेंज हुए निकल जाता है। इसकी प्लाज्मा हाफ लाइफ जो है वो 3 से 4 घंटे की होती है। दूसरा, इसके साइड इफ़ेक्ट्स में पर्सन को ड्रॉजीनेस हो जाता है, मेंटल कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है, कमज़ोरी आ जाएगी, अटैक्सिया मसल की ही प्रॉब्लम है, सीरम ट्रांस अमीनेज बढ़ जाता है, सडन विड्रॉल आफ्टर क्रॉनिक यूज़, अगर आप इसका बहुत ज़्यादा बैक्लोफेन का बहुत यूज़ आपने किया और अचानक अगर आप उसको छोड़ते हैं तो हेल्यूसिनेशन की कंडीशन पर्सन में हो जाती है, खोया खोया सा रहने लग जाएगा, उसको समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है, ख्वाबों की दुनिया में चला जाता है, टैकाइकार्डिया हार्ट रेट बढ़ जाती है, सीजर्स दौरे भी पड़ने लग जाते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा ना भाई थोड़ा बहुत ही सिडेटिव इफेक्ट भी अपना दिखा रही होती है, इसलिए ऐसा होता है। दूसरी टाइजानाडिन जो ड्रग है ये एक क्लोनिडिन कॉन्जिनर है, जो कि सेंट्रल अल्फा 2 एडिनर्जिक एगोनिस्ट है, ये इनहिबिट कर देती है
एक्साइटेटरी अमाइनो एसिड के रिलीज को स्पाइनल इंटरन्यूरॉन्स के अंदर, ये इनहिबिटरी ट्रांसमिट करती है ग्लाइसिन को भी, ऐसा इसका फंक्शन है, ग्लाइसिन का भी इनहिबिटरी ट्रांसमीटर कर देती है, मतलब रोक रही है ये एक्चुअली, ऐसी इसकी फैसिलिटी है। साइड इफ़ेक्ट्स, इसमें मुंह सूखने लग जाता है, ड्रॉजीनेस हो जाती है, रात के समय नींद नहीं आ रही होती और हेल्यूसिनेशन तो इन सब में होता ही है। इसके अलावा डोज डिपेंडेंट एलिवेशन हो जाता है कुछ लीवर एंजाइम्स, अगर आपने थोड़ी ज़्यादा डोज दे दी तो कुछ लीवर एंजाइम्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं, इसलिए इसका, और इसका कोई कंसिस्टेंट इफेक्ट नहीं है बीपी के ऊपर, ऐसा देखा नहीं गया है, पर फिर भी ये उन पेशेंट्स में नहीं दी जाती है जिनको एंटी हाइपरटेंसिव जो ले रहे होते हैं, स्पेशली क्लोनिडिन अगर कोई दवाई ले रहे हैं तो फिर ये टाइजिनेडिन अपन उनको नहीं दे रहे होते हैं। अब सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स का कहाँ कहाँ पे अपन यूज़ कर सकते हैं, उन लोगों में जिनमें एक्यूट मसल स्पाज़म हुआ हो, टॉर्टिकोलिस, लम्बैगो, बैकैक, न्यूरलजियाज किसी को हुआ हो, एंग्जाइटी या टेंशन वाले पेशेंट्स को भी अपन दे सकते हैं, स्पास्टिक न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ किसी को हो गई है, ये सारी बीमारियां आप जानते भी हैं नहीं भी, जो जानते हैं वो आप भी आ जाएंगी, आप जब सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे ना, पैथो पढ़ेंगे, एमएसएन पढ़ेंगे, उसमें आ जाएंगी बीमारियां। टिटनस के केस में भी आप दे सकते हैं, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी जो लोग दे रहे हैं ले रहे हैं उनमें अपन ये दे सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया ना कि इस थेरेपी के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे होते हैं, तो उस साइड इफ़ेक्ट को दूर करने के लिए अपन इन दवाइयों का यूज़ कर सकते हैं, और ऑर्थोपेडिक मैनिपुलेशन के लिए भी अपन इन मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, ऑर्थोपेडिक कुछ मैनिपुलेशन अगर आपको करना है तो। इसके साथ में ही ये आपके मसल्स रिलैक्सेंट्स जो हैं वो यहाँ पर ख़त्म हो गए हैं। कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस मसल रिलैक्सेंट के बाद जो है अपन अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे, नेक्स्ट न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा जिसका नाम है रीनल फार्माकोलॉजी, वो चैप्टर अपने को स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर अपन इसको ख़त्म करें। थैंक यू क्लास।